फाइनली गाइस ऊपर आने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटा बहुत हो गया, एक घंटे में आप ऊपर आ जाते हो। और कोई मतलब 100% श्योर है, क्योंकि मैं खुद आया हूँ आज, और कल्याण गेट से आ रहे हो तो एक घंटा बहुत हो गया ऊपर आने के लिए। और पुणे दरवाज़ा नहीं पता मुझे, वहाँ तो गाड़ी ऊपर डायरेक्ट आ जाती है, वहाँ पे उस साइड है, वो उस साइड लग जाती है गाड़ी, इश्यू नहीं कुछ। और कल्याण दरवाज़ा तो एक घंटा मैक्सिमम, और आप फास्ट हो तो पौना 40-45 मिनट्स में ऊपर आ जाओगे। और ऊपर का व्यू तो ऑल द बेस्ट थम्स अप, मतलब इस अलग सही। और ऊपर ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, अब हम खाने को जाए क्योंकि बहुत भूख लगी, सुबह से खाया नहीं है। और देखते हैं, क्योंकि दो लोग जो गिव अप कर दिए थे वो फिर से आ रहे हैं, आप कब आएंगे क्या पता, जल्दी आ जाना चाहिए। तो हम फिर कुछ खाएंगे, फिर मैं तब बताता हूँ। सी गाइस, बहुत डीप जाएगा तो डायरेक्ट नीचे नहीं ऊपर ही जाएगा। और एक है ऐसे, मुझे अभी तक तो चार दिखे, टोटली 4 दिखे मुझे अभी तक, मतलब 4 ऐसे वेल टाइप है। मतलब थिंक द उन जगह माइंडसेट भी देखो ना, मतलब ऐसे जगह पे ऐसा सब कुछ बनाना एट दैट टाइम वाज नॉट पॉसिबल एट ऑल, लेकिन क्या दैट वो द पीपल, क्या बोल सकते हैं हम, उनको कुछ यही जरूरत नहीं है। और ये देखो, आप वहाँ से ऊपर आओगे तो ये दिखाई आपको, यहाँ पे पूरे है मतलब ये रोड, पिछला बोर्ड से यहाँ से सीधा सीधा आने का ऊपर, और ये बोर्ड है यहाँ पे। और मोस्टली अकेले आ रहे हो तो ये करके आना, थोड़ा सेफ्टी प्रिकॉशंस रखना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अकेले आ रहे हो तो। और 2-3 जन हो तो कुछ इशू नहीं है, अकेले आ रहे हो तो सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो अमेजिंग जगह, आप आराम से पूरा दिन निकाल सकते, आराम से। आप उस ज़माने में सोच सकते हो कैसे ये सब बनाया होगा, इतने ऊपर से पत्थर कहाँ आए होंगे, कैसे प्रॉपरली, मतलब नहीं बोले तो ये सीमेंट भी अभी तक नहीं गया कहाँ, मतलब ये 1500 उससे भी पुराना है, मतलब दैट वर द इंजीनियर्स। और आपने देखो इंजीनियर्स 10-20 साल भी नहीं टिकती बिल्डिंग, मतलब ग्रेट हैंड्स ऑफ टू द पीपल, मतलब क्या उनको नॉलेज, इंजीनियरिंग स्किल्स जो कुछ। यहाँ पे थोड़ा हमें दिख रहा है, ज़रा क्या बोल सकते हैं हम, अच्छा ज़रा गांव की टाइप आ गया, दिखाता हूँ मैं आपको। एक नीचे टेंपल जैसा है, पता नहीं अंदर क्या है, देखा मैंने कुछ समझ में तो नहीं आया, थोड़ी फार शूटिंग कर ली यहाँ पे अच्छे से। और आगे ऊपर घूमते घूमते हो चुके हैं वैसे तो 1 घंटा, अभी तक खाया नहीं है कुछ, देखते थोड़ी देर में वो आ जाएंगे दोस्त लोग, फिर कुछ देखते पेट पूजा का। अभी तो सिर्फ और मोबाइल को चार्जिंग भी करना है, बहुत बैटरी डाउन हो गए। मिलता हूँ आपको डायरेक्ट खाते समय, क्योंकि अभी चार्जिंग ही नहीं है मेरे पास।
द व्यूज। ये नदी मैं आपको टाइप करके डाल दूंगा वीडियो में कौन सी नदी है, लेकिन एक नंबर क्या है जो कुछ है यहाँ पे पूरी सिटी, मतलब क्या 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 नेचर डाउन, मतलब क्या बोल दो उसको, डाउन सह्याद्री, सह्याद्री का पाए मतलब लेग्स बोलते ना हम सब चीज के, रहते लेग्स रहते ना सब चीज के, वैसे वो सह्याद्री का लेग है। और फिर पूरा मतलब थोड़ी बस्ती बिस्ती है और वो सब, मतलब रियल यार इंस्पिरेशन मिलता है इस जगह से आके कि उन्होंने कैसे कब कैसे क्या किया। वो ना वो तानाजी पिक्चर देखा तो आपने, आपको बहुत ही बहुत कुछ समझ में आ चुका होगा उन्होंने कैसे ये जीता सब कुछ सब सब। और उनकी बेटी की शादी थी, उन्होंने वो त्याग करके ये जीता के दिया शिवाजी महाराज को, मतलब मेनी मोर थिंग्स है यहाँ से सीखने के लिए। व्यू गजब है यार, आता जसं भारी दिसतंय त्या काळी कसलं भारी दिसत असेल। तेव्हा कुठे ते बिल्डिंग आहे तेच सांगतो ना कसलं भारी दिसत असेल। तो गाईज यहाँ तानाजी मालुसरे जो जिन्होंने ये किला जीत के दिया था, यहाँ पे उनकी समाधि बनाई गई है, उस साइड से मैंने फोटो ली है, वीडियो में डालता रहूंगा मैं, अच्छा है बहुत यहाँ पे। और वो जो सामने जो फाइटिंग करते हुए देखा है वहाँ ऐसे मतलब फाइट हुई थी इसलिए। और वो जो दो बंदे थे ना जो हार मान चुके थे, हाँ जो वो अभी अभी आए मतलब अभी बच रहे, देख रहे हो कितने बजे 1:15, हम ऊपर आए थे 12:15 और ये अभी आ रहे एक घंटे के बाद, एक तास लागतो यायला वरती, एक तास नाही 2 तास लागले तुम्हाला वरती यायला। थांबत आला लाच वाटते का एवढं फुगलंय पेट आम्हाला एक तास तिथं उद्यापासून हे काका आहे तुम्हाला फाइनल गाइस हम नीचे उतर रहे क्योंकि बहुत सारा टाइम पास हो गया, घूम लिया है और आई थिंक सो परसों संडे या मंडे तक आ जाएगा क्योंकि एडिटिंग बहुत करना है, इतने सारे मतलब नहीं बोल रहा 140 के आसपास वीडियो हो चुके हैं उसको छोटा छोटा, और मोबाइल में एडिटिंग करता हूँ ना इसलिए थोड़ा देर लग जाएगा, कोई इशू नहीं। अब ज़्यादा कोई खाया खाने का बहुत देर से बोल रहा हूँ खाना खाना खाने खाने, अभी जा रहे नीचे जाते जाते नीचे जाने को 1.5 घंटा लग जाएगा, अभी बजे 2:10 नीचे पहुँचने का मैं आपके मिलता हूँ डायरेक्ट। तो गाइस आप यहाँ पे आ रहे हो तो व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए आना, फोटोग्राफी के लिए आना, मतलब बेस्ट है यहाँ पे फोटोग्राफी और व्यूइंग एक्सपीरियंस इतना खतरनाक है, मतलब ऊपर ऊपर से जितने अच्छे अच्छे शॉट्स मिल रहे, और ड्रोन होगा तो भाई साहब आपका वीडियो खतरनाक होने वाला, लेकिन मेरे पास ड्रोन नहीं इसलिए, और लेकिन बहुत खतरनाक व्यूज़ है, व्यूज़ बहुत अच्छे। और थोड़ा मैं सुबह के टाइम या ठंडी के टाइम में आऊँ ना आपको फॉग और वो बहुत अच्छा मिलेगा, बारिश के टाइम में भी अच्छा होगा। मैं भी थोड़ा लेट आया हूँ क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करके आना पड़ता है, और वो अभी तक ऊपर ये ठीक है, मुझे लगता है नीचे जाने में 1.5 घंटा तो लग जाएगा। ये देख रहे हो मेरे पीछे, जी हाँ ये मोबाइल में इतना नहीं दिख रहा है लेकिन बहुत गहरा है बहुत। ये देखो आकाश।
आकाश साहब जा रहे है, वो अपनी कुंडी हिला रहे। आकाश वो सबसे एकदम फास्ट चलता है, बंदा बहुत अच्छा है, कैमरा एकदम क्लियरिटी सही निकालता है फोटो। अभी उसको लेके जाने का गोवा अपने को। वो मित्रों दोस्तों गोवा में एक अपन अच्छे वीडियो बनाएगा। गोवा में एक अच्छे वीडियो बनाएगा, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। गाइस हम उस चोटी से इधर ऐसे 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 करके यहाँ से ऐसे 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 नीचे आए हैं, और अब लफड़ा क्या हो गया, हमारी गाड़ी खो चुके मतलब हम दूसरे साइड आ चुके। देखते क्या होगा, आसपास ही है गाड़ी ढूंढते। और गाइस सच बताओ तो बेस्ट एक्सपीरियंस यार, बहुत मजा आया, मतलब क्या बताऊँ आपको, मैं कभी नहीं भूलूंगा ट्रैकिंग। मुझे नहीं बोले तो भी आई थिंक सो 2-3 साल बहुत पुरानी वो बियर ग्रिल्स आता है ना वाइल्ड डिस्कवरी पे, उसको देख के आ रहे हम भी, मेरे को भी ट्रैकिंग करनी है। देख आज फाइनल पूरा हो ही गया, मतलब बहुत हार्ट फुल हो गया मेरा एकदम ये देख के सब। और बहुत अभी थोड़ा गाड़ी घूम गया हमारा, गाड़ी ढूंढते और फिर डायरेक्ट होटल। और तुम या तो गाइस हम होटल में रुके, निकले हमें 15-20 मिनट हुआ, थोड़ा खाते क्योंकि सुबह से कुछ खाए नहीं है, थोड़ा खाते और फिर सीधा घर पे। और कुछ ना होगा चार्जिंग है क्या नहीं, क्योंकि चार्जिंग खत्म हो गए, और नहीं मिला तो आपको सिर्फ डायरेक्ट मैं एंड कर दूंगा ब्लॉग, और मिल गई तो थोड़ा रास्ता भी दिखा दूंगा। फाइनली गाइस खाना हो चुका है, हमने ली थी मिसल, टोटल बिल हुआ हमारा 250 के आसपास, चार ली थी, चार जन थे दो और एक बिस्लरी, ओके ओके थी, मज़ा आया नहीं इतना लेकिन ठीक है, भूख लगी थी, कुछ सुबह से खाया नहीं था। और अभी मोस्टली तो मैं घर पे जाके डायरेक्ट टल्ली हो जाने वाला हूँ, क्योंकि जान थोड़ी भी बची नहीं है। और ये अपने बंडे लोग को बाय कर लेते थे, इनसे आप डायरेक्ट गोवा डायरेक्ट गोवा, ये भी इसका है प्रॉमिस, याद रखना है, वीडियो शूट झाले विसरू नको, पर फेरलं ना मग मला सांगायचं माहित, सिद्धेश्वरांचं महत्वाचं आहे, त्याच्या नाटकीत जास्त होता, ले पटवले मी त्याला।
थे। बैठो अंदर ना, फिको वाले वाले सर उद्या भेट एक नंबर गाड़ी चल वाटत ना सगळ्या तिघांना सेंड कर नक्की आहे तर तू मला फोटो सेंड कर तुझा नंबर भेटून जाणार आता फोन केला ना तुझा तुझा फोन नंबर होता का तोच आहे ना व्हॉट्सअप त्याचा का म्हणजे त्याच्यावरतीच पाठव याच्यावरतीच पाठव का चालेल तो फाइनली गाइस मैं घर पे आ चुका हूँ। टोटल हमारी किलोमीटर हुए 105 और टोटल पेट्रोल आराम से लगा लो, गाड़ी का एवरेज 55 है तो टोटल हमारा पेट्रोल गया 200 रुपए के आसपास। जी हाँ 180-200 और गजब एक्सपीरियंस गजब। और एक और बात बताता हूँ, ट्रैवलिंग के बाद आपके दिल में जो फीलिंग आती है प्लीज उसे कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना जरूर 100%। मेरी फीलिंग्स तो मैं बोल ही नहीं सकता, इतनी मतलब हार्ट टचिंग और दिल एकदम अंदर तक बैठ जाती है फीलिंग। मतलब कैसे तो अरे वाई वी आर लिविंग दैट प्लेस, मतलब हजारों माइंड में। और एक ही टाइम आएगा, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना बेचारे भाई को, मेरे मेरे चैनल को नहीं ऐसे नहीं, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं ऐसे ही अगली। एंड वन मोर थिंग गाइस, माय फोन हेल्प मी टिल लास्ट, सो बिग थैंक्स टू माय फोन आल्सो, बिकॉज फोन नहीं होता आज, उसने साथ नहीं दिया होता तो आज ये मुमकिन नहीं होता। मतलब नहीं बता सकता आज जो रिकॉर्डिंग हुई है जो कुछ भी हुआ है प्रॉपरली इस फोन की वजह से, इसलिए बिग थैंक्स टू हिम। वो नॉन लिविंग थिंग है लेकिन थोड़ी फीलिंग्स होती है नॉन लिविंग थिंग्स। माय लास्ट मेड मी फील लाइक Stay quiet. Hold me now. Hold